हाँ वो बर्फ़ पे लेटाया था तो उसके वजह से खांसी हो गई। और शिवानी जो मुझे अपना पति मानती है, रंगीला को अपना पति मानती है, वो बेचारी काढ़ा बना के लेके आई, तो काढ़ा पी लिया और ठीक हो गई। ए इधर आ, काढ़ा क्यों दिया मुझे बताओ? Why you got काढ़ा for me? Because you are coughing. देख कितनी अच्छी है बेचारी। शिवानी ने थैंक यू एक्सेप्ट नहीं किया रंगीला का। है? कैसे करेगी? एक्सेप्ट किया? नहीं किया। नहीं किया? एक्सेप्ट वो बदले बदले ना वो अगर इफ आई हेल्प यू यू हैव टू हेल्प मी ऐसा था ना? हाँ, नहीं नहीं एक्चुअली उसने मेरे को कुछ प्रॉमिस किया था तो इसलिए मैं उसको पूछ रही कि थैंक यू डायलॉग भूल गई जो भी था। भूल आज हमारा दिन आज हमारा दिन अच्छा चल रहा है। हम लोग सब कुछ भूल रहे हैं जो कर रहे हैं। तो हाँ काढ़ा इसने पिलाया, बड़ा अच्छा लगा। काढ़ा कड़वा था लेकिन मैं मेरी खांसी ठीक हो गई है, अभी मैं काफ़ी ठीक हूँ। जा तेरा शॉट है, जा शॉट रेडी है, शॉट हो जाए। रंगीला ने ऐसा क्यों प्लान किया? क्योंकि किसी को पता ना चल जाए, अगर मैं उसे बता देता एक्साइटमेंट में वो किसी को बता दे या मालिक को पता चल जाए, तो मैंने सीधा उसे किडनैप किया और सीधा ले आया जहाँ पे मामा जी थे, और रात के अंधेरे में लाया ताकि किसी को पता ना चले, गार्ड्स वार्ड्स को। फिर भी एक गार्ड आ गया, जब गार्ड आया मैंने उसी को मार दिया। मैंने कहा साले तेरी वजह से ये सब होने वाला था, उस पर डाल दिया मतलब बेसिकली। तो इतनी सब मुसीबत तो झेल ही रहे हो, तो और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाने वाला है गुलाम? मिस्टर राहिल काजी हमारे राइटर हैं, आप प्लीज़ एक इंटरव्यू उनसे लीजिए, क्योंकि मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स है, लेकिन ऑब्वियसली होंगे बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स। क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता, बट हर एपिसोड में हम कुछ ऐसा कर रहे कि ओ शिट ये क्या वो क्या। अब कल जो मैं शूट कर रहा हूँ वो बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही, आप जब देखोगे आप कहोगे ये क्या है, तो या अब वो क्या है मैं नहीं बताना चाहता प्लीज। अच्छा, आप लोग आओगे ही तब पता चल जाएगा। हाँ सॉरी बोलिए। बात करें मॉर्निंग के सीन की, नीति को सॉरी शिवांगी को सोया नहीं सोने नहीं दिया जा रहा है। हाँ कुछ ऐसे काम कर रहे, क्या हो रहा है? वो मेरे मालिक ने कहा था कि ये दोपहर को सोती है फिर रात को सोती नहीं है ठीक से और ये वो, तो कहा कि इसकी नींद ख़राब करो, इसको सोने ना दो दोपहर को, ये सिर्फ रात को सोए, तो ये रीज़न था। और फिर मालिक के आदेश का पालन तो करना मेरा काम है, तो मैंने फिर वही उन्हें सोने ना दिया। वो सोने की कोशिश की, चेयर से घुमा दिया, घुम गई, फिर उठाया और फिर थोड़ा इमोशनल सीन हो गया, क्योंकि वो चली गई। उन्होंने कहा कि यार अगर मैं सो गई तो आपके मालिक आपको मारेंगे, इसलिए अब मैं सोऊंगी ही नहीं भले मुझे नींद आए। रंगीला को कितना माइंड चलाना पड़ा नीति को जगाते रहने के लिए? नीति को तो शिवांगी को कोई कुछ नहीं, मैंने एक बार कहा वो इमोशनल हो गई और फिर वो मान गई। वो खुद ही बोलती है कि मैं नहीं सोऊंगी क्योंकि अगर मैं सो गई तो आपके आपके मालिक आपको सजा देंगे, तो बेचारी इतना प्यार करती है तो उसके प्यार का फ़ायदा तो मैं उठाता ही हूँ, तो ऐसा हो गया सी। तो नहीं नहीं जागते हैं यार कभी कभी, ऐसे क्या कभी जागेंगे, बीच बीच में जागते हैं फिर वो सो जाते हैं। हाँ वो हाँ क्योंकि वो मालिक की वजह से यार, एक दिन मालिक सो जाएंगे तो फिर ये पूरे जाग जाएंगे, उनको सुला देंगे हम लोग। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बाय।